करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। जगह जगह माता के भक्तों की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह गरबा पंडाल सज गए हैं और 9 दिन धूमधाम से मनाने की तैयारी भी हो चुकी है। इसी के साथ हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज खान जी, जो लगभग 35 सालों से गरबा का आयोजन करते आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार क्या कुछ ऐसा है कि उनके गरबों में रोक लग गई है। आइए मिलते हैं उनसे। जी नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप लगभग 35 सालों से गरबे का आयोजन करते आ रहे हैं, आप माता के बड़े भक्त भी हैं, तो इस बार क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपके गरबे के आयोजन में रोक लग गई है? पहले तो मैं बताऊंगा, 35 सालों से पहले मैं वहाँ ताज रहता था, मेरे सीनियर बैठाते थे, सीनियर सारी चीज़ें संभालते थे जी। अब उन्होंने, जब मैं सीनियर हुआ तो मुझे जवाबदारी दी, मेरे नाम तो लेते शायद कुछ समस्या आई है, फिरोज होने से गरबा पंडाल मैं नहीं बैठा सकता हूँ या गरबे नहीं करवा सकता हूँ। बट यदि मेरे नाम की वजह से यह है तो मैंने निवेदन करा है कि फिरोज वहाँ नहीं रहेगा। फिरोज यदि तनैया होता या अमित होता या जो भी होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। आज मेरी जो भावनाएं हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उन भाइयों से, मेरा किसी से तो ही पर्सनली वो नहीं है विवाद जी। मैं उन्हें चाहता हूँ कि मैं नहीं बैठा हूँ, आप लोग बैठाइए वहाँ। जो मोहल्ले में 35 सालों से परंपरा चल रही है, जो मैंने अब थोड़े दिनों से 8-10 साल से मैं जवाबदारी ली है, तो वो चीज़ें परंपरा टूटे नहीं। मैं चाहता हूँ ये चीज़, यदि वो मुझसे बोल देते पहले तो मैं खुद अपने तो बैक साइड ले जाता, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मोहल्ले में जो 250-300 बच्चियाँ हैं वो गरबा करें जी। फिरोज जी, हमने ये देखा है कि आप एक मुस्लिम परिवार से आते हैं और माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? मैं कहाँ किसी से बोल रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूँ और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदुस्तानी भी हूँ जी। बिल्कुल, तो शासन प्रशासन ने इस बार आपके गरबों में जो 35 सालों से चले आ रहे हैं उस पर रोक लगा दी है, क्या कुछ आपकी मांग है और क्या कुछ उनसे कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास में किसी भी शासन प्रशासन से रोक नहीं आई है जी। जो जमीन मालिक था वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, जमीन मालिक ने मुझे मना करा है, मेरे पास बताया था परमिशन है, सारी चीज़ें हैं, तो इस कारण हम माता जी बैठा नहीं पा रहे हैं। फिरोज जी, आप 35 सालों से गरबों का आयोजन करते आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या कुछ मुख्य वजह अगर कुछ हो तो? मैं मतलब पैदा वहीं उस मोहल्ले में हुआ हूँ, मैं एक लौता मुस्लिम हूँ वहाँ, बचपन से जो देखा है वो सीखे ने मैंने अपने साथियों तो अपने दोस्तों तो वहाँ पंडाल में सेवा रहते हुए देखा, मैंने भी करा उनके साथ बचपन से। उस चीज़ में मैं थोड़ा आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज़ें तुम अच्छा मैनेज करो, तुम मैनेज करो, मेरा सारा पंडाल, मेरे सारे दोस्त सब मेरे साथ हैं जी। हमने ये भी देखा है कि आप इस बार वैष्णो देवी की यात्रा पर भी जा रहे हैं। हाँ, अभी तो वो नहीं हुआ है, बाकी यदि माता जी नहीं बैठ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देव दर्शन जी जी पे निकलने का है मेरे दोस्तों के साथ। मैं यदि वो मेरे साथ अजमेर भी जाते हैं, मैं उनके साथ माता मंदिर भी जाता हूँ, मैं उनके साथ दूसरे मंदिर भी जाता हूँ, वो मेरे साथ हाजी अली भी जाते हैं, तो हम में तभी हिंदू मुस्लिम वाली बात रही नहीं जी। तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ एक संदेश देना चाहेंगे आप? फिरोज जिहादी नहीं है, फिरोज हिंदुस्तानी है, फिरोज हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, और जिन भी भाइयों तो यदि मुझसे परेशानी है या जो भी हुआ उस चीज़ से मैं खत्म रहते हुए उनसे एक निवेदन रहता हूँ कि जो हमारे वहाँ अथन जोत जलती है वो जलाइए, माता जी बैठाइए। तो देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे फिरोज खान जी, जो माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं और 35 सालों से गरबे का आयोजन भी करते आ रहे हैं। इस बार 35 सालों से मैं नहीं, मैं हमारी टीम गरबा आयोजन कर रही है। मेरी उम्र 42 है, मैं यदि 35 सालों से 7 साल की उम्र में नहीं रह पाता, मैं अभी अभी सीनियरिटी में आया हूँ, लेकिन शायद रहता और सदस्य मैं 35 सालों 30 सालों से।
तो हम ये कह सकते हैं कि कई सालों से आप गरबे का आयोजन करते आ रहे हैं जो कि किसी कारणवश इस साल शायद नहीं हो पाए, और आप वैष्णो देवी की यात्रा पर भी जा रहे हैं, तो देखना आया होगा और क्या कुछ आपकी यात्रा कितनी सफल होती है। और हम यही कामना करते हैं कि आगे आपकी ये निरंतर गरबे की जो आयोजन है वो निरंतर यूं ही चलता रहे। तब तक के लिए और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।